Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Cafe 26 Crown, opposite ESIC Hospital. Coffee, sandwiches, pizza, Italian, Mexican dishes, सभी यहाँ पर मिलते हैं. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की. सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात में, जिस तरह से भारी भरकम बारिश हुई है. 11,900 लोग जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं उन्हें शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है. यहाँ पर गुलबर्गा में तो हम बारिश को तरस जा रहे हैं. आज बादल जो जमा तो हो गए थे लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे तालुका को बरगाल डिक्लेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर्स काफ़ी परेशान हैं. वहीं इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको खबर ला रहे हैं कि अर्थक्वेक हुआ है इटली में. 4.8 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक हुआ जो इटली के कई सारे हिस्सों में अर्ली मंडे जो है ये सुनने में आया है. और पार्ट्स ऑफ तुकसानी जो है जगह है, और जियोलॉजिस्ट और फायर फाइटर्स ने बात बताई कि कोई डैमेज और इंजरीज की तो बात नहीं है, लेकिन एपिसेंटर मराडी नॉर्थ ईस्ट ऑफ फ्लोरेंस रहा जो सुबह 5:10 पर हुआ है. और ये बड़ी अफसोस भरी बात है. इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वोल्केनोलॉजी ने यह खबर पहुँचाई. उसके बाद आपको खबर लाते हैं कर्नाटक से. कर्नाटक से सीधा खबर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि एक शख्स की डेथ हो चुकी है, 14 लोग हॉस्पिटलाइज हैं. जब जो मधुमक्खी होती है यानी हनी बी जिसे हम कहते हैं वो अटैक की है. हुआ ये था कि वहाँ पर एक लेडी की डेथ हो चुकी थी, तो उन्हें फ्यूनरल देने के लिए, उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग वहाँ पर पहुँचे. जैसे ही चिता को आग लगाई तो वो आग से जो है जो झाड़ खरीब में था वहाँ के जो मधुमक्खियाँ थे एकदम से सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए. उसमें से एक ज़यीफ आदमी थे 60 साल के, उनको ये मधुमक्खियाँ ने बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया और बाकी सारे लोग भागना शुरू कर दिए. वो जो आदमी थे 60 ईयर्स के, उन्हें जब हॉस्पिटल पहुँचा एकदम बहुत देर हो चुकी थी. उनकी डेथ भी ये अफसोस भरी जो घटना हुई है ये मधुमक्खियों की वजह से हुई है. अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा सर्विसेज ला रहे हैं अक्टूबर डिलक्स पैकेज. जी हाँ, रवानगी होगी 20 अक्टूबर को और रिटर्न है 5 नवंबर. तैफ बदर शरीफ और जोराना जियारा फ्री इन जस्ट 1,05,000 रुपीज. स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टेक्ट करें तुरंत. 3 दिन का वीकेंड का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है. यूएई में पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर की गई है मिलादुन नबी के मौके पर. 29 सितंबर जो है स्टार्ट हो जाएगा. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी ऑफ दिया जा रहा है. फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 3 दिन हॉलीडेज मिल रही है. हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट पुनीत केरहल्ली पर गुंडा एक्ट रिवोक किया गया है. कर्नाटका होम डिपार्टमेंट ने रिवोक किया है केस. हालांकि उन्हें बेल के बाद बाहर आने के बाद भी कई सारे मैसेजेस और ट्वीट्स कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन पर गुंडा एक्ट इंप्लीमेंट किया गया है, रिवोक किया गया है. गुंडा एक्ट तभी आपको रिवोक किया जाता है जब एक पोटेंशियल थ्रेट रहती है लॉ एंड ऑर्डर को. सिटी पुलिस कमिश्नर ने यह बात बताई और इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया गया है. डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात करते हैं, जहां पर उन्होंने G2 या फिर G20, क्योंकि G20 के अंदर जो O है वो G20 के अंदर जो 0 है उसमें कमल नजर नहीं आया बीजेपी का, इस तरह की बात करते हुए उन्होंने मजाक उड़ाया. कहा कि हर जगह पर क्रेडिट लेते हैं. लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये बात कही, हमने वो किया ये किया ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 नहीं, क्योंकि वो 0 में कमल का फूल ही दिखता था. अब देख G20 की मजाक मत उड़ाइए. G20 बहुत, अरे मजाक नहीं भाई, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड Sanjay. वहीं दूसरे बयान में आप देखते हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलबर्गा के मेंशन किया. गुलबर्गा के अंदर डेवलपमेंट्स के बारे में बात की कि उन्होंने जो अपने पीरियड में जो काम किए थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसे नज़रअंदाज किया है. और लेबर मिनिस्टर से भी उन्होंने बात की कि वहाँ पर एम्स को जो है स्थापित करें, वहाँ पर एम्स को भी लेकर आएँ ताकि एक बहुत जो है अच्छा काम हो सकता है. लेकिन उन्होंने कहा कि क्या कहें, हमारी बातों को सुनता नहीं है, कितना भी प्रेशर डालने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, इस तरह की बात कही. मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीज़न बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे. और कहाँ हमारे यादव साहब, कहाँ है हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो. वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाए तो वो उनके कंट्रोल में है, क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे. जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे.
महाराजा रेस्टोरेंट्स गंज में एपीएमसी कमान के बिल्कुल बाजू आपके लिए आ रहा है डिलीशियस फूड, चाय से लेकर बिरयानी तक और कई सारे आइटम्स आपको मिलेंगे बेस्ट प्राइसेस में, तो अभी विजिट करें। वही मैसिव फायर ब्रेकआउट हुई है बैंगलोर के चमराजपेट में, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, 10 शेड जो है बिल्कुल जल के राख हो चुके हैं। आप सब जानते हैं चमराजपेट जमीर अहमद खान साहब का कंस्टिट्यूंसी में आता है और ये आग जो है इसका एग्जैक्ट ब्लास्ट का रीजन तो पता नहीं चला, लेकिन फायर फाइटर्स की टीम वहाँ पर पहुंचकर सिचुएशन को काबू में लाई है। लेकिन मैसिव सिलेंडर ब्लास्ट का जो वीडियो आप देखे हैं वो वीडियो हम यूट्यूब पर डाल नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर भी कॉपीराइट वहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस के इशूज आते हैं, तो आप तस्वीर में समझ गए होंगे कितनी भयंकर आग वहाँ पर लगी है। क्रिकेट से जुड़ी आपको खबर लाते हैं, इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयार हो रही है। ऑस्ट्रेलिया यानी इंडिया को आने वाली है 3 मैच की ओडीआई सीरीज है, इसमें केएल राहुल लीड लेने वाले हैं और पहले 2 मैच में, और अश्विन जो है इनको इंक्लूड किया गया है, विराट कोहली और रोहित शर्मा रेस्ट करने वाले हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको ला रहा हूँ जहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आज जो है एक रेस्टोरेंट को जो है ओपन अप किया है, होटल जो थी बिलाल होटल, बहुत ही अच्छी होटल है जहाँ पर बिरयानी और चिकन बिरयानी मटन बिरयानी के साथ साथ आपको पाया वगैरह मिलते हैं जो है, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। गुलबर्गा शहर में उन्होंने आए हैं और बहुत अच्छा एक ब्रांच उन्होंने डाला है, तो मुझे इन्वाइट किया गया था एज द गेस्ट, तो ओपनिंग करते हुए बड़ी खुशी हुई एंड बहुत ही अच्छा लगा, तो आप भी जरूर वीडियो को ज़रूर देखें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में, जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, ये थॉट ऑफ द डे मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ए हंग्री स्टमक एन एम्प्टी पॉकेट एंड अ ब्रोकन हार्ट कैन टीच द बेस्ट लेसन ऑफ लाइफ। आपका पेट खाली हो, आपको भूख लगी हो और आपका जेब खाली हो और आपका दिल टूटा हो, तो जरूर आप बेस्ट लेसन, यानी इंसान को जब कौन साथ देता है तब पता चलता है और ऊपर वाले की मदद कैसे मिलती है आपको एहसास होता है, और ये जिंदगी के बहुत बड़े लेसन आपको इससे मिलते हैं। फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंग्जाइटी आपके पास चली आती है, ब्लड जो है फ्लो इंक्रीज होता है और आपको कामनेस देता है, पीस एंड बैलेंस देता है, रिवर्स हार्ट डिस करता है और बहुत सारे इसके फायदे हैं, तो जरूर मेडिटेट करिएगा 5-10 मिनट निकालकर, इस तरह से डीप ब्रीथ लेते जाइए और छोड़ते जाइए। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैशटाउन, जहां पर आपको मिलते हैं प्रीमियम हिल प्लॉट्स हुन्नाबाद रोड बिहाइंड हिल टाउन पर, उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया सैयद अमजद का लिखा, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शहीद अहमद ने सलाम लिखा है, SSA लिख रहे हैं कि आधा प्राइज मनी हिमाचल प्रदेश डिजास्टर को देना चाहिए था। मैं फातिमा सलाम लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है खैरियत, और हबीब लिख रहे हैं सिराज भाई को डोनेट किए हैं, बड़े बड़े प्लेयर से सीखना चाहिए लिखे हैं उससे पर। मोहम्मद गैसत लिख रहे हैं, अतलाल ने कॉमेडियन लिखे हैं, इंशाल्लाह आएगी तेलंगाना में लिखे हैं उन्होंने, और शगुफ्ता बानू मोहम्मद मंसूर और मोहम्मद जुनेस सब ने सलाम लिखा है। सर 8 का बोर्ड एग्जाम का क्या है बोलो, फिलहाल तो कुछ अपडेट नहीं है, जरूर आए तो कुछ बोलेंगे। उमेर नुमा लिख रहे हैं, आज मेरे दादाजान अलहाज मोहम्मद हनी साहब मरहूम की पहली बरसी है, इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम भी दुआ करते हैं उमेर नुमा जी के मोहम्मद हनी साहब को अल्लाह जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे और उन्हीं की बख्शिश हो जाए। मोहम्मद बेगम ने सिराज को कांग्रेचुलेशन लिखा है, मोहन पटेल ने सलाम लिखा है, HSTSR लिख रहे हैं गुलबर्गा के हर एरिया में 50-50 कुत्ते हैं, प्लीज खत्म करिए तो बहुत फायदा होगा लिख रहे हैं। इमरान ओवैसी ने लिखा है, मेरे माँ बाप की दुआ है, मोहम्मद सिराज ईशा कब लिखे हैं उन्होंने। नूर खान लिखे, तैयार कांग्रेस पार्टी 5 वादे की थी, इसमें से अभी एक बाकी है, बजरंग दल को बंद कराना है, बजरंग बल को बंद कराना वादे में से नहीं है, 5 जो गारंटी से एक जो गारंटी जो बाकी है वो है यूथ को पैसे देने की जो बात की गई वो है। उन्होंने बजरंग दल के बारे में कहा है कि ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो फसाद फैलाता है उसको बैन किया जाएगा। रोहित ठाकर के लिख रहे हैं, सराज ने अच्छा किया पर सर इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जय शाह ने 42 लाख रुपीस दिए हैं श्रीलंका ग्राउंड को, ये भी बहुत बड़ा काम किया है, दोनों का काम बहुत अच्छा है, थैंक यू। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल KBN यूनिवर्सिटी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डेली बुलेटिन इज पावर्ड बाय Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.